बच्चों आज हम सुनेंगे लोमड़ी और मुर्गा की कहानी जो आपका पार्ट दो है। इस कहानी को बड़े मनोरंजक ढंग से मैं आप लोगों को सुनाऊंगा, आप लोग सुनेगा और फिर ध्यान से समझिएगा जिससे कि आप इस पार्ट से जुड़े सभी प्रश्नों के उत्तर दे सकें और इस कहानी को अपने शब्दों में भी सुना सकें। एक गाँव में एक बहुत बुद्धिमान मुर्गा रहता था। एक दिन वो पेड़ की डाल पर बैठा हुआ था। देख रहे हैं आप कितना प्यारा मुर्गा है ना? तो वो पेड़ की ऊंची सी डाल पर बैठा हुआ था और मुर्गा बहुत बुद्धिमान था। वह गांव में प्रतिदिन प्रातःकाल बांग देकर सब लोगों को उठाया करता था। सब लोग उसके काम से बहुत खुश थे। एक दिन जब वह पेड़ की डाल पर बैठा हुआ था तो वहां से एक लोमड़ी गुजर रही थी। उस लोमड़ी ने देखा कि पेड़ पर तो बहुत मोटा अच्छा खासा मुर्गा बैठा हुआ है, तो उस लोमड़ी ने उस मुर्गे को खाने का मन बनाया। तो अब उसने एक चाल चली, उसने मुर्गे से कहा, अरे मुर्गे भाई, मैं तुम्हारे लिए खुशखबरी लेकर आया हूँ। मुर्गा बोला, क्या खुशखबरी है लोमड़ी बहन? लोमड़ी बोली, तुम्हें पता नहीं, पूरे जंगल में एक नियम घोषित हो गया है। अब से सभी पशु पक्षी जंगली जानवर आपस में मित्रता की तरह रहेंगे। कोई किसी को तंग नहीं करेगा, कोई किसी को सताएगा नहीं। मुर्गे ने कहा, क्या सच में? क्या ये बिल्कुल सच खबर है? लोमड़ी बोली, हाँ हाँ, क्यों नहीं, मेरी बात पर विश्वास करो, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। तो मुर्गे ने कहा, ठीक है, तो मेरे कुछ दोस्त भी आ रहे हैं, तब तक हम इंतजार करते हैं। लोमड़ी ने कहा, तब तक तुम तो नीचे आओ। मुर्गा बोला, नहीं नहीं, मेरे दोस्त आ रहे हैं, तब मैं नीचे आता हूँ। लोमड़ी खुश हो गई, उसने सोचा एक साथ दो चार मुर्गे खाने को मिलेंगे। लेकिन फिर भी उसने पूछा, तुम्हारे वो दोस्त हैं कौन, ये तो बताओ। तो मुर्गा बोला, यहाँ से कुछ दूरी पर मुझे कुछ शिकारी कुत्ते आते हुए नजर आ रहे हैं, जब वो आ जाएंगे तो मैं नीचे आऊंगा। शिकारी कुत्तों की बात सुनते ही लोमड़ी की तो हवा खराब हो गई, वो बहुत डर गई, तो वो वहां से दौड़ने लगी, वापस जाने लगी। मुर्गा बोला, अरे बहन क्या हुआ, रुको तो सही, सुनो, तुमने बताया कि नया नियम पारित हो गया है। लोमड़ी बोली, मुझे तो पता है, पर क्या पता कुत्तों ने ये बात ना सुनी हो और वो मुझे खा जाए। मित्र, चलती हूँ, फिर मिलूंगी। इस तरह लोमड़ी वहां से चली गई। तो देखा बच्चों, एक बुद्धिमान मुर्गे ने किस तरह से एक दुष्ट व्यक्ति से अपनी जान बचाई। तो यदि हम बुद्धिमानी से, अकलमंदी से सोचेंगे और किसी भी परिस्थिति में यदि हम होंगे तो हम उससे आराम से पार कर लेंगे और हम सफल होंगे। थैंक यू।